हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती और आज मैं अपनी क्लास में एलसीएम की ऐसी ट्रिक लाई हूँ जिसको देख के आप फिर से हैरान होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या आप कभी भी नंबर्स को देखकर उनका एलसीएम तुरंत निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन आज मैं जो अपनी ट्रिक बताऊंगी उसको अपनाकर आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे और डायरेक्ट अपना आंसर बता देंगे। तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल। देखिए हमारे सामने इतने नंबर्स लिखे हैं, 7, 14, 28, 56। तो हमें क्या करना है, इनमें से हमें सबसे बड़ा नंबर छांटना है। सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है, 56। अब जो बाकी के नंबर है उनको हमें देखना है इससे ये डिवाइड होता है कि नहीं। 56 7 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 7, 8 जा 56, 7 को हम काट देंगे। 14 से डिवाइड होता है कि नहीं, होता है। 14, 4 जा 56, हमने 14 को भी काट दिया। 28 से देख लेंगे, 28 से भी डिवाइड होता है। 28, 2 जा 56, इसका मतलब इसका एचसीएफ हमारा एलसीएम आएगा 56। आंसर आ गया 56। मेरा मतलब है अगर आपके सारे नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर है वो बाकी के नंबरों से पूरा पूरा कट जाता है तो वही उसका एलसीएम होगा। तो ये हमारी उन क्वेश्चंस के लिए ट्रिक है जिनमें बाकी के नंबर अपने आप कट जाते हैं। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 4, 12, 16 एंड 24। इसमें भी वही प्रोसेस होगा। सबसे पहले हम अपना बड़ा नंबर छाटेंगे। बड़ा नंबर हमारा 24 है। अब 24 किससे कटता है, 4 से कटता है। जी हाँ बिल्कुल कटता है, काट दिया। 12, 2 जा 24, ये भी कट गया। लेकिन 16 के टेबल में तो 24 नहीं आता है। अब हम क्या करेंगे? तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये जो 24 लिखा है इसको हम और अपना दूसरा नंबर बनाएंगे, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आ गया हमारा 48। अब हम 48 को देखेंगे, 16 से कट जाता है। जी हाँ, 16, 3 जा 48, इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारा एलसीएम आ जाएगा 48। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 7, 14, 13 है। इसमें भी सबसे पहले हमको बड़ा नंबर छांटना है। ठीक है, बाकी के नंबरों को देखेंगे इससे कटता है कि नहीं। तो देखते हैं, 7, 2 जा 14, 7 कट गया। 13 के टेबल में तो 14 नहीं आता है, तो अब हम क्या करेंगे? जी हाँ दोस्तों, अब हमारी तीसरी ट्रिक काम आएगी। 13 चूंकि होता है कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैं आपको नंबर वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ कि जो नंबर सिर्फ अपने आप से और 1 से कटते हैं उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो अब हमको क्या करना है, अगर प्राइम नंबर दिया है तो उस प्राइम नंबर की उस बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देनी है। जी हाँ दोस्तों, इसको हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। 13, 4 जा 52, 2, 5 हो गया कैरी। 13 वजह 13 और 5, 18। आंसर आ गया 182। ठीक है, फिर देखते हैं एक और एग्जाम्पल, 4, 12, 17 और 24। इसमें सबसे बड़ा क्या है, 24। तो इस 24 को अब हमें क्या देखना है कि बाकी के डिजिट से कटता है कि नहीं। 4 के टेबल में देखेंगे कट जाएगा, 4, 6 जा 24। 12 के टेबल में 12, 2 जा 24 कट गया। 17 के टेबल में नहीं आता है, तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल वही चीज़ करेंगे। 17 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। ये भी खाली 1 और 17 से कटेगा, तो अब हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। 17, 4 जा 68, कैरी गया 6। 17, 2 जा 34 में 6 जोड़ेंगे, आ गया 40। हमारा एलसीएम आ गया 408। तो देखा दोस्तों कितनी जल्दी हमने केवल डिजिट को देखकर और थोड़ा सा माइंड लगाकर कितनी जल्दी हमने अपने आंसर निकाल लिए हैं। तो अब देखिए, अगर आप इसको पूरे प्रोसेस से करते तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो दोस्तों मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन ये इसका प्रोसेस नहीं है, ये इसका फुल फॉर्म है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का एलसीएम निकालना हो तो पूरे प्रोसेस से कैसे करेंगे, जैसे 7, 14, 28, 56 था, तो इसमें आप 7 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 14 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 28 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 56 के मल्टीपल्स लिखेंगे। चारों के आपको अलग अलग मल्टीपल्स लिखने होंगे, फिर उसमें हम कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। चारों में जो कॉमन फैक्टर होगा, फिर उसमें देखेंगे जो सबसे छोटा होगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वही हमारा एलसीएम होगा। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम की वेस्टिंग होती है। अगर आप हमारी ट्रिक फॉलो करेंगे तो आंसर बहुत ही जल्दी कुछ सेकंड्स में निकाल लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अपने अगले वीडियो में एचसीएफ के ऊपर ट्रिक्स लेकर आऊँगी, तब तक आप थोड़ा वेट करिए और एलसीएम की प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।